माँ, मुझे आपसे एक बात करनी। ऑफिस में जो हुआ उसके बारे में नहीं माँ, तानी और मैं आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने रॉबी से कहा है सबको हॉल में बुलाने के लिए, आप भी चलिए। अनु बात क्या है? आप चलिए तो सही। तानी का शायद खुद को तैयार कर रही होगी। चीजों ने सारी गोलियां बदल दी है। मैं सही गोलियों को सही बॉटल में डाल देती हूँ। अगर कहीं दीदी ने गोलियां खा ली तो पता नहीं क्या होगा। क्या कर रही हो दानी? क्या कर रही हो दानी? दीदी वो मैं, तुम कुछ कहोगी नहीं और मैं समझूंगी नहीं? मेरी और ठाकुमा की बात सुन ली थी ना तूने आज? तू जानती है कि अगर मैं एक बार और प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। उसी का फायदा उठाना चाहती है ना तू? मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है ना? क्योंकि हर बार मैं तेरे रास्ते में आ जाती हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। दीदी मैं तो ये गोलियां बदल रही थी, है ना? नहीं दी, मैं तो ये गोलियां, तुमने अनन्या की गोलियां बदली? टोनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्यों अनन्या की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो तुम? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? गोलियां मैंने बदली आपने? अच्छा, और तुम सही गोलियां उस बोतल में वापस डाल रही थी? हाँ, लेकिन हाँ हाँ हाँ, इन गोलियों को मैं बदल रहा था लेकिन उस मौके पर तुम पकड़ी गई। क्यों? और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? टोनी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक और प्रेगनेंसी इसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ इसकी जान लेने की कोशिश में थी और अब बहाना बना रही हो तुम। कितना झूठ बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। बाबा ने आज बिजनेस क्या सौंप दिया मेरे नाम कि इससे अपनी पोजीशन खत्म होते हुए नजर आने लगी। क्यों? जिसके लिए यहाँ ये बदला लेने आई थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। क्या भरोसा करूं? मत करना, ऐसी लड़की पर भरोसा करना बेवकूफी है। तुमने तानी, तुमने अनन्या की जान लेने की कोशिश की। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। सारे लोग इसे घर की देवी समझते हैं, इसका असली रूप तो सबके सामने आना ही चाहिए था। चल मेरे साथ। अनन्या दी, दीदी मेरी बात सुनी, मैंने ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? माँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो जाने दीजिए, इसकी सच्चाई जानने के बाद आप क्या करेंगी जरा ये सोचिए। दी बात क्या है? तू चुप रह, तू तो बीच में बोल ही मत। मैं तो उससे बात नहीं करना चाहती। मैं उससे बात कर रही हूँ जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। बोल बोल, सबके सामने बता क्यों मुझे मारना चाहती है? चलती है कि मेरे और मेरे पति की इतनी चलती है इस घर में, इतनी इज्जत है? अच्छी तरह बता है कि हम दोनों के रहते तेरी तो यहाँ दाल गलने वाली है नहीं। मेरी 4 साल की बेटी है फिर भी तू मुझे मारना चाहती है? नहीं दी, मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? वो तो जीजू ने, चुप कर। तुम लोगों की खानदानी आदत है क्या? हाँ, पहले तेरे बाबा और अब तू। रितेश के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता तुम दोनों को? दिया, होश में तो आप ये क्या बोल रही है? होश में हूँ मैं, पर इसकी सच्चाई जानने के बाद तू होश में नहीं रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ? अनन्या क्या बात? बाबा मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी ये घर तुम्हारा है,
यहाँ रहने का पूरा अधिकार है तुम्हें। मुझे बताओ बात क्या। पापा अब मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकता। क्या बात है रितेश, बताओ मुझे। इस घर के हालात बाबा रहने लायक नहीं है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया बाबा, मान मर्यादा इज्जत, यहाँ तक कि बिजनेस भी मुझे सौंप दिया, लेकिन इस घर के कुछ लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुई बात। इस लड़की ने मेरी अनन्या को, आपकी बेटी को मारने की कोशिश की है आज। नहीं चाहिए मुझे ये बिजनेस ये ऐसो आराम, कुछ नहीं चाहिए मुझे बाबा, मुझे सिर्फ मेरे परिवार की सलामती चाहिए। पर जब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ वो सलामती मुझे नहीं मिल सकती। क्या किया है तानी ने? अनन्या के पिल्स बदलने की कोशिश की आज उसने। और इससे पहले भी मैंने इसे अनन्या के रूम में आते जाते हुए देखा है, लेकिन कभी शक ही नहीं किया मैंने इस पर। लेकिन आज अगर अनन्या ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो रजा ने क्या गुल खिलाने वाली थी ये लड़की। और आप जानते हैं ना बाबा कि मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूं, यहां पीछे घर पे अकेले अनन्या रहती है। किसी दिन इस लड़की ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं कुहू को जवाब देने लायक नहीं रहूंगा। अब इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। चीचू आप ये क्या कह रहे हैं? तानी को जानते हैं आप? वो अनन्या दी को मारने की कोशिश करेगी, बचपन से अपनी बड़ी बहन मानते आई है वो। चुप कर अनु, छोटी बहन बड़ी बहन के साथ वो नहीं करती जो इसने करने की कोशिश की है। सोच भी नहीं सकता था ये लड़की इतनी गिर सकती है। गलती हुई मुझसे जो मैंने इसे माफ किया था। जब नुपुर अनुराग को छोड़कर चली गई तो तानी ने उसे सहारा दिया तो मुझे लगा अच्छी लड़की है, लेकिन मैं गलत था, वो सब दिखावा था। इसका असली चेहरा तो अब सामने आ रहा है। बाबा तानी के बारे में गलत मत बोलिए। अगर कोई गलत कहेगा तो उसे गलत ही कहा जाएगा। और क्यों ना कहूं उसे गलत, इसलिए कि तुम उसे पसंद करते हो, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसकी तरफदारी करते हो। तुम क्या हाँ तुम क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? मेरे घर में रहते हो, मेरा दिया हुआ खाना खाते हो, मेरा दिया हुआ कपड़े पहनते हो, मेरा बिजनेस संभालते हो और मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो। जीरो हो तुम, जीरो हो तुम। सच्चाई बहुत कड़वी लग रही है ना तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने बीवी के साथ खड़े होकर अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? उसकी असलियत खुल गई तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने तुम्हारे बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं कहा तुमने। क्यों, किस लिए? इसलिए कि बचपन में एक छोटी सी रिश्ते में मैंने तुम्हें बांध दिया था और जिंदगी में मैंने दोबारा वही गलती की, अब नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी बहन को कुछ हो जाता तो कुहू को क्या जवाब देता मैं? उसकी सोच और तुम्हारी समझदारी दोनों देख चुका हूं मैं। तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से मुझे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ। अब वो फैसला मैंने नुकसान करने के लिए नहीं लिया, लेकिन नुकसान हुआ ना मेरा, मेरी गुडविल खराब हुई, मेरा सर नीचा हुआ सबके सामने, और तुम्हारी वजह से मिस्टर अनुराग गांगुली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बख्श दो मुझे, बख्श दो, माफ करो, मेरा बिजनेस छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैं अभी छोड़ता हूं आपका बिजनेस, मैं अभी छोड़ता हूं, मुझे नहीं करना है, मुझे खुद को नहीं करना है आपका बिजनेस बाबा।
बाबा, किसी को किसी का बिजनेस संभालने के लिए उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आपको मेरे ऊपर विश्वास है ही नहीं, मैं खुद कर लूंगा बाबा। मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो, मैं अपनी जिंदगी खुद बना लूंगा। कैसे कैसे अपनी जिंदगी बनाओगे तुम? बाप के घर में रह के, बाप का खाना खा के, बाप का कपड़ा पहन के? जो लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं वो दूसरों पे बोझ नहीं होते। अपनी बीवी को मेरे पैसे से खिलाओगे, तुम खुद मेरे पैसे से पलोगे, खुददार होने का दम भर रहे? मिस्टर अनुराग गांगुली, तुम मुझ पर, इस घर पर हमेशा बोझ बनते रहो। नहीं रहूंगा बाबा, नहीं बनूंगा आप पर बोझ, नहीं रहूंगा इस घर में, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, माय फर्स्ट, बोलो मत, करके दिखाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने ही बेटे को घर से निकाल रहे हैं, वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। अच्छा है, बड़ा हो गया, इसलिए समझाओ इस समझदार इंसान को कि आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं। शर्मिंदा होने के बजाय जो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। आपका बेटा है वो? नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए। तो जाना चाहता है ना, तो जा, जा कमा, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा, मेरे नाम से अपना नाम हटा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बेटा नहीं पैदा किया है तुमने, अपने कोख से खोटा सिक्का जमा। इस गुट पर नाधी, दरवाजा खुला है, चला जा यहां से, और तभी वापस आना जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो। ये बात समझ में आए कि बाप के सामने आवाज और नजर दोनों नीची होनी चाहिए। बाबा, जब आपने मुझे काम से निकाला था, आपने मुझे आजाद कर दिया था। मैं खुद आपसे आके कहने वाला था कि मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूं। चुप रह गया ये सोच के कि कहीं आप मेरी मेरी आजादी को मेरी बगावत ना समझ लें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबा, ना आपका बिजनेस, ना आपके पैसे। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। चला जाऊंगा बाबा, चला जाऊंगा बाबा, चला जाऊंगा बाबा, चला जाऊंगा, और इस घर में कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे आपकी जरूरत होगी तब भी, जरूरत होगी तब भी, सिर्फ तब आऊंगा जब आपको मेरी जरूरत होगी, मेरी जरूरत होगी। और भगवान से दुआ करूंगा कि आपको मेरी जरूरत कभी ना, जरूरत कभी ना, जरूरत कभी ना। नहीं मां, मुझे जाने दीजिए। ओनू, कहाँ जा रहे हैं? घर में तो ऐसी बातें होती रहती है, भूल जा सब कुछ, चल अंदर। नहीं थी, नहीं बोलूंगा। ओनू, तेरी बीवी जैसी भी हो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। दी के बारे में कुछ नहीं, के बारे में कुछ नहीं, के बारे में कुछ नहीं। और रुक, रुक तो।
दो लोग वाकई में एक दूसरे को इतना प्यार कर सकते हैं कि एक दूसरे के लिए जान दे दे? क्या प्यार दो ऑर्डिनरी लोग के हाथ इतनी बड़ी बड़ी ऐसी नोबल चीज करा सकता है? जो मिले बंदगी का सिला। तूने कुछ नहीं किया है। सुन तानी, तूने कुछ नहीं किया है। कोई कुछ भी पूछेगा ना, तू चुपचाप रहना, बिल्कुल चुप। मुझे रो मत तानी, मैं हूं ना तेरे साथ। आज हो हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। अनु, तेरी बीवी जैसी भी हो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। दी, पानी के बारे में कुछ नहीं। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने बहू बेटे को वापस लाऊंगी। रुक जाओ निलंजना, बहुत घमंड है उसे। अपने मुंह से बोलकर वो मुझसे और इस घर से रिश्ता तोड़कर गया है। उसे कोई वापस लाने नहीं जाएगा और ना ही उसे कोई रिश्ता रखेगा। मेरे आदेश के परे जाने की कोशिश मत करना निलंजना। इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है बाबा, प्लीज जाइए और अपने अनुराग को वापस लेकर आइए। ये तुम कह रहे हो रितेश, तुम अच्छी तरह जानते हो तानी ने जो दवाइयां बदली थी अगर अनन्या उसे खा लेती तो क्या हो सकता था। मैंने अनुराग और तानी दोनों पर विश्वास किया था, तानी को दोबारा मौका दिया था अनुराग का साथ निभाने के लिए, मगर दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अनुराग ने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और तानी ने मेरे परिवार को। फिर भी बाबा, माँ खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। क्या आपको लगता है माँ और अनन्या अनुराग के बिना जी पाएंगे? अपने लिए नहीं सही, कम से कम उनकी खातिर तो अपना गुस्सा थूक दीजिए बाबा। सच पूछिए तो बाबा, मैं आपके फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि अनुराग को कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहिए। बाहर रहेगा तो दुनियादारी की समझ आ जाएगी उसमें, और जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तब तानी उसे छोड़कर चली जाएगी और तब उसे तानी की असलियत पता चल जाएगी और तुरंत घर वापस आ जाएगा। मैं नहीं जानता कि पल पल आपका दिल कैसे टूटता होगा, लेकिन बेटे से दूर रहने का कुछ दिनों का दुख अगर आपके बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा रहा है तो उसके लिए अच्छा है ना बाबा। उसे पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, कौन उसका है और कौन पराया। और मेरा यकीन मानिए बाबा, जैसे अनुराग यहां से गया था ठीक वैसे ही वापस आएगा। कितना फर्क है तुम और अनुराग में। काश अनुराग की सोच भी तुम्हारी जैसी होती, वो भी तुम्हारे जैसा होता। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।